अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिटेड हो, आप उनको अपनी, स्पेशली मैं फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की बात करूंगा, उनको आप जोड़िए ओकनेट पे, उनको जो है जोड़िए ताकि ओकनेट को वो बेसिकली सीख सकें। क्योंकि अभी जब इसके साथ हमारे को नया रिलीज मिलेगा और नए रिलीज के साथ यहाँ पे बहुत सारी बेसिक और फीचर्स ऐड होने वाली हैं, एआई बेस्ड फीचर्स ऐड होने वाली हैं, बैकग्राउंड्स आपको मिलने वाला है, यहाँ पे ट्रांसलेशन की कुछ चीजें हमारे साथ यहाँ पे ऐड की जाएंगी, सब चीजें वो धीरे धीरे होंगी। लेकिन जो लोग अभी तक ओकनेट से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे आपको अपने कैमरास को ऑन करना है, अपने वीडियोस को ऑन करना है, अपना जो डाटा है उसको भी आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, तो जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप स्पीकर लिंक से जुड़े हैं तो टॉप में आपको सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, सेटिंग के ऑप्शन पे आप टिक कीजिए। सेटिंग पे जैसे ही आप टिक करेंगे, सेटिंग पे टिक करने के बाद आपको वीडियो ऑडियो वीडियो दोनों ऑप्शन आएंगी। वीडियो के ऑप्शन पे आप जाइए, वहां से आप एडवांस सेटिंग में जाइए और एडवांस सेटिंग से आपको जो पहला आ रहा होगा एडवांस वीडियो सेटिंग, दूसरा आपका आएगा सिलेक्ट योर वीडियो रेजोल्यूशन, तो वीडियो रेजोल्यूशन को वहां पे आप हाई एचडी से मीडियम कर दीजिए ताकि जो डाटा है, डाटा की समस्या आपकी खत्म हो जाए। बहुत सारे लोगों का बेसिक दिक्कत यही रहता है क्योंकि हम एक हाई विजुअल ग्राफिक्स यहाँ पे यूज करते हैं, 12K तक की हम तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास वो डिवाइसेस हैं वो उसको एंजॉय भी करेंगे, बट उसके साथ साथ बाकी जो हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं जुड़ते हैं जिनको डाटा का दिक्कत रहता है, तो वो लोग अगर अपने वीडियो रेजोल्यूशन को यहाँ से मीडियम कर लेते हैं तो वो वाली दिक्कत भी उनकी वहां से एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि सभी लोग कैमरा तो ऑन कर नहीं रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन तो कहीं पे जा नहीं रहा है, इसलिए आप अपना वीडियो रेजोल्यूशन वहां से जो मीडियम करके डाटा को भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो चलिए, आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं वैसे तो, और फाउंडिंग मेंबर को मुझे लगता है अनलिमिटेड डाटा पैक्स अभी सब्सक्राइब कर लेने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी और चीजें ऐड होती जाएंगी, इम्प्रूवमेंट होती जाएंगी, तो वो जो अनलिमिटेड डाटा पैक्स रहेंगे वो हमें मतलब टेक्नोलॉजी से जोड़े रखेंगे, हम यहाँ से फिर बाहर नहीं निकलने वाले हैं। तो नया वीक शुरू हो रहा है, आप सभी, हम सभी मिलकर इंतजार कर रहे हैं उन घड़ियों का, उन पलों का जब हमारे साथ बेसिकली ओ कनेक्ट का नया संस्करण जो है उसको शेयर किया जाएगा। टेंटेटिवली तो मिस्टर आयश ने 28-29 कहा था, बट आप वीकेंड मान के चलिए, इस वीक के लास्ट तक कभी भी जो है ओ कनेक्ट हमारे साथ शेयर किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग जो अगली एक्टिविटी है उसको समझ नहीं रहे हैं, ओ कनेक्ट को नए वर्जन को शेयर करने का मतलब है कि हम साथ ही साथ पब्लिक लाइफ की भी यहाँ से प्लानिंग करने वाले हैं, तो मिस्टर आयश जो कुछ भी यहाँ से प्लान करते हैं वो एज ए फाउंडिंग मेंबर, एज अ परिवार वो हमारे साथ आकर शेयर करते हैं और साथ में वो हमेशा अपनी एक लाइन ऐड करते हैं जिसको बहुत सारे लोग जिसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और वो लाइन उनकी होती है कि इफ एवरीथिंग गोज वेल, मतलब हमने प्लान किया है कि हम नेक्स्ट वीक ओ कनेक्ट को रिलीज करेंगे, अगर सब कुछ जैसे हमने प्लान किया है बिल्कुल वैसे स्मूथली जाता है, तो वो उस चीज पे लोग ध्यान नहीं देते हैं और बाकी का जो हिस्सा होता है जो मिस्टर ऐश कहते हैं उसे बढ़ा चढ़ा कर सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है, और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो चीजें नहीं होती हैं या हम उसमें कहीं किसी तरह का कोई एक्सटेंशन लेते हैं या टाइम लेते हैं तो लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि हम जानबूझ के यहाँ पे डिले टैक्टिस कर रहे हैं। तो एक नई शुरुआत इस चीज पे हमने इनक्रेडिबल इंडिया से सोचा है कि फाउंडर के मन के बहुत सारे संशय रहते हैं और उन संशयों को वो डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से अपने एग्रेशन को, अपने पैशन को वो सब दिखाएं, उससे बेटर होगा कि हम कुछ इस तरह का यहाँ से इनिशिएटिव लें कि उन सवालों के जो जवाब है हमारे यहाँ पे मेंटर्स लीडर्स जो समझ रहे हैं, जो अपने आप को लगातार यहाँ पे जोड़े रखे हैं उनके साथ हम जोड़ पाए, तो मन की बात, फाउंडर्स के मन की बात हम ये नया अध्याय, नया चैप्टर इनक्रेडिबल इंडिया में ऐड करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि डेली 11 बजे जब हम ये मन की बात का सेशन आप सभी के साथ रखें तो यहाँ पे हम बहुत सारे मेंटर्स सभी को रिक्वेस्ट करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे और एक एक करके फिर जो आपके सवाल और संशय हैं उनके सामने हम रखेंगे ताकि हमें उनके सही जवाब मिल सके और सही मार्गदर्शन मिल सके। बेसिकली जिस चीज को हम यहाँ पे डिले समझ रहे हैं, जिस जो हमें लग रहा है कि यहाँ पे डिले हो रहा है, देरी हो रही है, वो बेसिकली देरी नहीं है,
बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन की वजह से इंटरनेट पे जब हम पहली बार ये व्यवसाय कर रहे हैं तो हमें एस्टेब्लिश करने में, हमें उन चीजों से वो डिजायर्ड रिजल्ट, जिस चीज के लिए हमने उस सिस्टम को तैयार किया है उसको डिजायर्ड रिजल्ट को लेने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इसीलिए मिस्टर ऐश उसको 10 डेज 15 डेज करके उसको एक्सटेंड कर रहे हैं हमारे बीच। तो एक्सटेंशन के पीछे मकसद ये नहीं है कि जो हमारे ड्यूज कंपनी के पास पड़े हैं वो नहीं देने हैं, या फिर मिस्टर ऐश देना नहीं चाहते। मिस्टर ऐश चाहते हैं कि हम आगे बढ़ने से पहले जो हमने अभी तक जितना भी पैसा लोगों से इकट्ठा कर रखा है और कमीशन के रूप में जो उनका बोनसेस के रूप में जो उनकी हिस्सेदारी बनती है उसको वो हम सभी के साथ शेयर करें। और वो शेयर करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे तो बड़े बड़े गिद्ध बैठे हैं, बड़ा बड़ा सिस्टम इस तरीके से बैठा है, करप्शन सब जगह फैला हुआ है। करप्शन से हम किसी भी तरह से यहाँ अछूते नहीं हैं, बच नहीं सकते हैं। एक छोटा सा लाइसेंस बनाने के लिए आपको मतलब उसके लिए हजारों यहाँ पे दलाल बैठे होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब एक वर्ल्ड लेवल पे पूरे 220 देशों के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे मिस्टर ऐश कुछ करने की यहाँ से प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों की वजह से जो है जो अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, मतलब हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी अफोर्डेबल हो, इतना कम दामों में हम उसे दुनिया के साथ शेयर करें ताकि आम आदमी भी, एक लेमैन भी जो है उस टेक्नोलॉजी से जुड़ सके और वहां से वो लाभान्वित हो सके, उसको अपने मतलब पूरा अपने परिवार के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, अपने जीवन में उसको ले सके। और ये जो प्रयास है मिस्टर ऐश मुफारा के, यही जो प्रयास है बैकएंड पे चैलेंजिंग बन रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस बैकएंड पे आ रहे हैं, बहुत सारी मतलब चैलेंजेस को मिस्टर ऐश फेस कर रहे हैं और वो हमेशा कहते हैं कि डू इट और डाई एटीट्यूड से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब तो जब कल भी हम गुजरात सॉरी ओपी एकता वर्ल्ड के मंच पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, हम वहाँ पर थे और वहाँ पर भी हमने ये डिस्कशन किया कि हम अपनी फिनिश लाइन पे हैं और ये फिनिश लाइन वही फिनिश लाइन है जिस फिनिश लाइन का आप वेट कर रहे थे। अभी तक जो आपके साथ फिनिश लाइंस डिसाइड की जा रही थी वो प्रोडक्ट के कमीशन होने की थी, प्रोडक्ट्स के रोल आउट होने की थी, प्रोडक्ट के टेस्टिंग की थी। अभी जो आपके साथ फिनिश लाइन मिस्टर ऐश ने कहा है वो आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट की है। तो जिस तरह से बाकी के हिस्से थे यहाँ पे उसी तरह से फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है और इस फाइनेंशियल इम्पैक्ट में जैसे ही हम अपनी स्टेबिलिटी को यहाँ पे अचीव करते हैं, जैसे ही हम अपने पास माध्यम जनरेट कर लेते हैं कि हम दुनिया के 220 देशों में ग्लोबली जो है आपकी जो कमीशंस बन रही हैं, आपके जो बोनसेस बन रहे हैं, ट्रैफिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं बैकएंड पे जो मल्टीपल उनके ऊपर काम चल रहा है। और जैसे ही मतलब हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है, मिस्टर ऐश हमारे बीच आकर उन चीज़ों को शेयर भी करने वाले हैं और शेयर करने के साथ साथ वो फाइनेंशियल जर्नी जिसका आप सब हम सब मिलकर पिछले 4-5 सालों से इंतजार कर रहे थे उसका भी जो है यहाँ से शुभारंभ होने वाला है। क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं, हम बार बार कहते हैं कि हम ये पहली बार कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानियां हम डेफिनेटली यहाँ पे फेस कर रहे हैं और उन दिक्कतें परेशानियों का समाधान हमारे पास जो है मिस्टर ऐश टेम्परेरी सॉल्यूशन पे बिलीव नहीं करते हैं, वो परमानेंट सॉल्यूशन पे बिलीव करते हैं। वो आप सभी के चेहरे पे, हमारे चेहरे पे टेम्परेरी स्माइल नहीं देखना चाहते हैं कि चलो यार एक बार इनको कमीशन और जो इनके बोनसेस बनते हैं हमने शेयर कर दिए, बट वो चाहते हैं कि ये रेकरिंग हो, मतलब लगातार लगातार ये सिलसिला बढ़ता जाए। पहले मिस्टर ऐश ने कहा था कि हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम सब लोगों को जो वीकली के वीकली उनके पे आउट और बोनसेस बनते हैं वो हम उनको पे करें और उसके बाद हम फोकस करेंगे कि वीक में 2 बार, फिर करते 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 हम इन सभी कमीशंस और बोनसेस को इंस्टेंट कर पाए। मतलब आप यहाँ से अपना किसी एफिलिएट को इन करते हैं, आपका कमीशन और बोनसेस जो जनरेट होते हैं वो आपको इंस्टेंट मिले, तो ये इसको मतलब महीने से हफ्तों में, हफ्तों से इंस्टेंट तक लेकर आने में बहुत सारे मतलब फैक्टर्स यहाँ पे हैं जिन पे हमें डिपेंडेंट रह के चलना पड़ेगा फिलहाल, जब तक हमारे पास अपना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा OKYC, O-Verify बेसिकली, OKYC नहीं तो O-Verify पे भी अभी काम चल रहा है। O-Verify को दोबारा मॉडिफाई और दोबारा उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है, उसमें बहुत सारी जो फीचर्स हैं उनको ऐड किया गया है। उन फीचर्स के साथ साथ जो है बहुत सारे मतलब समय रहते रहते बहुत सारे चेंजेस जो है इस टेक्नोलॉजी के युग में आते रहे,
आते रहते हैं, तो उन एस्पेक्ट पे भी जो है मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं। और पीछे से पीछे आपने देखा होगा लास्ट वीक में डॉक्टर अमन रशीद हमारे साथ जुड़े हैं।